तो वहीं प्रतापगढ़ के लालगंज वन रेंज इलाके में शारदा सहायक नहर के सागरा रजवासा में फंसे 7 फीट 8 इंच लंबे संरक्षित प्रजाति की गंगेटिक डॉल्फिन मछली को गंगा नदी में छोड़ा गया, जहां नहर में 4 दिन से फंसी इस गंगेटिक डॉल्फिन मछली का लखनऊ से आईटीएसए की 5 सदस्यीय टीम ने रेस्क्यू किया, जहां डॉक्टर शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने बताया कि डॉल्फिन 7 फीट 8 इंच लंबी मादा है। डॉल्फिन मछली को कालंकर में डॉक्टर्स द्वारा जांच में स्वस्थ पाए जाने के बाद गंगा में छोड़ा गया। इस दौरान लगातार वन विभाग की टीम करती रही निगरानी, जहां शनिवार को सगरा रजवाहा में गहरी में मछली पकड़ने के लिए लगाए गए जाल में डॉल्फिन फंस गई थी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बाद कॉम्बिक शू का डॉल्फिन मछली को रेस्क्यू करने की कवायद शुरू हो गई है। इससे पहले 2 साल पहले प्रतापगढ़ जिले के नवाबगंज थाना इलाके में गुजरी शारदा सहाय की जलशाखा में मछुआरों के जाल में फंसे डॉल्फिन मछली को कुछ लोगों ने पीट पीट कर मार डाला था। रेस्क्यू करके और भी उनके सहयोग से गंगा में उसको मेडिकल चेकअप करा करके और गंगा में छोड़वा दिया गया, एकदम स्वस्थ।